लोहार में जहां प्रतिबंधित मांझे से कई मौतों की खबर सामने आती रही है, जिसके बाद सरकार ने चाइनीज मांझा को प्रतिबंधित मांझे की श्रेणी में लाकर उसको प्रतिबंध करने के निर्देश दिए, पर आज भी चाइनीज मांझा को धड़ल्ले से क्रय विक्रय किया जा रहा है। ये प्रशासन की नाकामी नहीं तो क्या है? इस नाकामी के चलते रायबरेली की आकाशवाणी रेडियो में आरजे के पद पर तैनात अंकुर तिवारी की जान खतरे में आ गई। अंकुर तिवारी का चाइनीज मांझे से गला काटने की खबर के बाद जहां स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरजे अंकुर तिवारी अपने निजी काम से मिल एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर जा रहे थे, तभी उनके गले में चाइनीज मांझा फंसा और उनका गला कट गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने आरजे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही आरजे अंकुर तिवारी ने जिला प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि प्रतिबंधित चाइना मांझा को रायबरेली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, अन्यथा ऐसे ही आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। इंडियन टाइम न्यूज के लिए रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। अपना परिचय बता दीजिए, क्या हुआ है, किस तरह घटना घटी है, बता दें। जी, मेरा नाम अंकुर तिवारी है, मैं ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो रायबरेली पर आरजे हूँ। मैं आज गोल चौराहे से सर्वोदय नगर की तरफ शाम को आ रहा था, स्कूटी से अपने था, तो मुझे ये चाइना मांझे के से मेरा ये गला कटा है। और मैं वहाँ से खुद ही, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग जब समझ में आई, तो मैं तुरंत वहाँ से अपने आप ही स्कूटी चला के तुरंत ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी पहुँचा, और इमरजेंसी में मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक मीडिया में सक्रिय हूँ और रेडियो पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्रशासन इस चीज़ को लेके, चाइनीज़ मांझे को लेके जो प्रतिबंध लगा है, उस पर कड़ाई से कुछ कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की घटना एक किसी के थोड़े से आनंद के लिए, और थोड़े ही आनंद में किसी की जान पे बन पड़ती है। मेरे साथ भी घटना हुई है, ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी, ईश्वर की कृपा है कि मैं बचा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर उचित कदम उठाएं।